झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 परिणाम के बाद जिस नेता की सबसे अधिक चर्चा हो रही है वो है जेएलकेएन सुप्रीमो जयराम महतो। इंडिया ब्लॉक की जीत के बाद जयराम महतो फैक्टर चर्चा में है। जयराम महतो ने डुमरी और बेरमो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सिर्फ डुमरी से जीत मिली और बेरमो में वो हार गए। अब चुनाव जीतने के बाद विधानसभा में वो इंडिया ब्लॉक का साथ देंगे या एनडीए के साथ विपक्षी फोल्डर में जाएंगे, इस पर फिलहाल जयराम महतो के फैसले का इंतजार है। जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो ने विधानसभा में अपनी भूमिका पर कहा, अभी वो पार्टी नेताओं के साथ बैठकर चुनाव परिणाम की समीक्षा करेंगे। सदन के अंदर हेमंत सोरेन या बाबूलाल मरांडी के साथ जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी इस पर वो कोई निर्णय नहीं ले सके हैं। जल्द ही पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने के बाद आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। इस चुनाव में जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने बीजेपी जेएमएम और कांग्रेस से अधिक 81 में से 71 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। हालांकि जेएलकेएम को सिर्फ एक सीट ही मिली और वो भी डुमरी से पार्टी सुप्रीमो जयराम महतो किसी तरह से अपनी सीट निकालने में सफल रहे, लेकिन जेएलकेएम उम्मीदवारों ने 18 सीटों के चुनाव परिणाम को तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई। जयराम महतो की पार्टी की मौजूदगी ने कई सीटों पर एनडीए की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया। कुर्मी वोट बैंक की लड़ाई में जयराम महतो आसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो पर भारी पड़े। सुदेश महतो की पार्टी की हार में भी जेएलकेएम उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो को मिले करीब 41,000 वोटों की भूमिका भी अहम रही। इसके अलावा बीजेपी और आसू पार्टी को कम से कम 12 सीटों पर नुकसान पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा कई सीटों पर कांग्रेस जेएमएम आरजेडी और माले उम्मीदवारों की हार में भी जेएलकेएम की बड़ी भूमिका रही। वर्ष 2024 के लोकसभा और झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक जानकारों का मानना था कि राज्य में कुर्मी वोट बैंक पर आसू पार्टी की पकड़ है, लेकिन इस चुनाव परिणाम के बाद जयराम महतो एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। विधानसभा चुनाव में आसू पार्टी का वोट शेयर 3.54% रहा, लेकिन जेएलकेएम को 6.12% वोट मिले। दोनों पार्टियों को एक एक सीट मिली, लेकिन कई सीटों पर जेएलकेएम उम्मीदवारों ने अन्य दलों को कड़ी टक्कर दी। जयराम महतो ने 8 विधानसभा सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को सीधा नुकसान पहुंचाने का काम किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सिल्ली सीट शामिल है। सिल्ली में सुदेश महतो को 49,302 वोट मिले और वो दूसरे स्थान पर रहे। जेएमएम के अमित महतो ने 23,867 वोट के अंतर से सुदेश को हराया। इस सीट पर जेएलकेएम उम्मीदवार को 41,725 वोट मिले, जो जीत हार के अंतर से कहीं अधिक है। इसी तरह से टुंडी, ईचागढ़, तमाड़, चंदन कियारी, कांकी और रामगढ़ में भी बीजेपी आसू पार्टी को हराने में जेएलकेएम उम्मीदवारों को मिले वोट की भी अहम भूमिका रही। हालांकि जेएलकेएम ने कांके, चतरा, लातेहार, बरकट्ठा, कोडरमा और झरिया में भी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों को हराने में अहम भूमिका निभाई।